नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के ख़ुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 127वें नंबर की किस्त पेश करेंगे। गुज़श्ता किस्त में आपने देखा और सुना था कि किस तरह कबीले बनी साद बिन बकर फ़ौजी क़ुव्वत जमा करते हुए इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ यहूद खैबर को हमला करने में मदद की कोशिश में था और किस तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 200 सिपाही लेकर मार्च किया था और किस तरह बनी साद का खासिद खैबर जाता हुआ पकड़ा गया था। इस तरह के वाक़यात मुसलसल रोनुमा हो रहे थे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, इन हालात के दरमियान एक हादिसा पेश आया कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने और दूसरे सहाबियों का सरमाया और माल लेकर शाम की तिजारती सफ़र पर गए। वापसी पर वादी उल कुरा में बनी बद्र ने उनके काफ़िले पर डाका डाल दिया। काफ़िले की तादाद कम थी, लिहाजा डाकुओं ने 9 आदमियों को शहीद कर दिया और एक को ज़ख्मी करके सारा माल छीन ले गए। आखिर 2 महीने बाद हज़रत अबूबकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में मुजरिमों की सज़ादही के लिए मुहिम भेजी गई। चुनांचे कुछ डाकाजन कत्ल कर दिए गए और बाकी भाग गए। नाज़रीन गिरामी, अकल और अरीना नामी दो कबाइल के लोग मदीने आकर मुसलमान हुए मगर नई आबो हवा में बीमार पड़ गए। मदीने के बाहर मुकीम होकर सरकारी इंतज़ाम से ज़ेर इलाज रहे। अच्छे हुए तो सरकारी चरवाहे को पकड़ा, उसकी आंखों में गर्म सिलाई फेरी यानी अंधा कर दिया, फिर उसे बेरहमाना तरीके से कत्ल किया और मवेशी साथ लेकर के भाग गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज बिन खालिद फहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में 20 सवारों का दस्ता उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा और मुजरिमीन गिरफ्तार हो गए। इर्तिदाद, डाका, कत्ल और मुहारबा यानी जंग करना और बेरहमाना कार्रवाइयों के गुनागुन जराइम के तहत उनको इबरतनाक सज़ा दी गई और ठीक अदल से इंतकाम लिया गया। वरना अगर एक मुनज़्ज़म हुकूमत के ख़िलाफ़ हर कोई इस तरह की जसारत करने लगे तो सारा मामला मजाक बनकर रह जाए और कोई नज़्म एक दिन न चलाया जा सके। इस दौर का सबसे बड़ा वाक़या जिसके दूरस असरात सियासी और दिफाई हालात पर पड़े, सुलह हुदैबिया का वाक़या है। नाज़रीन गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीक़ायदा 6 हिजरी में हुदैबिया के मकाम पर फ़रोकश हुए यानी मुक़ीम हो गए। क़ुरैश से मुसालहती मुआहिदा बांध कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े हरीफ से फ़ारिग हो गए और दावती और तामीरी काम करने के लिए वसीअ मौक़े पैदा हो गए। नीज़ मदीने के मुत्तसिला इलाक़ों में शरंगेज़ अनासिर की सरकूबी आसान हो गई। हुदैबिया से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा में वापस मदीना आए और चंद रोज़ मुकीम रहकर 7 मुहर्रम यानी 7 हिजरी को खैबर रवाना हो गए। खैबर इस्लामी रियासत के खिलाफ एक नहायत ही फ़आल सियासी अड्डा बन चुका था और जंगी साजिशों का मरकज़ भी। खैबर के यहूद न सिर्फ उहद के पस मंज़र में मुहारिबाना हरकतें कर चुके थे बल्कि जंग अहज़ाब में उनका किरदार बहुत ही सरगर्मी का था। मदीने की जिंदा व बेदार हुकूमत अपनी गर्दन पर एक तने हुए छुरे का वजूद बहरहाल गवारा नहीं कर सकती थी। इस मारिके की नौयत गैर मामूली है और उसे बड़े मारिकों में शुमार किया जा सकता है, मगर उसे मामूली कार्रवाइयों में इसलिए रखा जा सकता है कि बद्र और खंदक के सिलसिले जंग की कड़ी नहीं है, ये एक मुख्तलिफ नौयत की कार्रवाई है। इस्लाम की दावत चूंकि अभी तक बैनुल अक्वामी दौर में दाखिल नहीं हुई थी और कुरैश और अहले अरब की तरह से दूसरी कौमों और दूसरे मजहबों के लोग दर्जे अव्वल के मुखातिब नहीं थे, इसलिए यहूद खैबर से इनकलाबी दावत की बिना पर कोई तसादुम नहीं था। उनके सियासी जराइम ही असल वजह इकदाम थे और इसीलिए उनसे मामला भी सियासी जंग का सा किया गया। वो बाजी हार गए तो उनकी सरजमीन को बाकायदा मफतूह बनाया गया और उनको रईयत की हैसियत दी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तर्ज मामला सिर्फ इलाके खैबर ही में रवा रखा और कहीं भी रवा नहीं रखा। बहरहाल कुरैश की तरफ से मामूर हो जाने के बाद अब खैबर की तरफ चढ़ाई करने में कोई रुकावट बाकी न थी।
उस मौके पर सिर्फ उन्हीं लोगों को मुहिम में शरीक किया गया जो खालिसतन लिल्लाह जिहाद का जज्बा लेकर चले। नाज़रीन वाज़ह रहे कि इस मुहिम में ख़वातीन भी बग़ैर इत्तिला शरीक हो गई थी। बाद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो खफा होकर उनसे बासपुर्स की कि तुम लोग क्यों आए, लेकिन जब उन्होंने लश्कर की खिदमत करने का जज्बा जाहिर किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी दे दी, बल्कि आखिर में माल गनीमत में भी हिस्सा दिया। मदीने में सबा बिन उर्फता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कायम मकाम बनाकर 1400 सिपाहियों के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। बमकाम रजीअ पड़ाव डाला गया। मुस्लिम फौज जब खैबर वालों के सामने अचानक नमूदार हुई तो भागकर किलों में पनाह गुज़ीन हो गए। पहला हमला किले अलआतात पर हुआ, दोनों तरफ से तीर फेंके जाते थे। बिलाखिर फतह हुई, फिर किला साहब का मुहासरा हुआ। मरहब यहूदी मुबारजत यानी लड़ाई को निकला। हज़रत आमिर बिन अकवा मुकाबले में आए और शहादत पाई। बहरहाल मुहासरा फतह पर मुंतज हुआ। किला कमूस सबसे ज़्यादा मुस्तहकम था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद दर्द सर की वजह से खुद शरीक मारका ना हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास ऐलान के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मुहिम के लिए नामज़द फरमाया। किले से मरहब रिज पड़ता हुआ आया, यानी जंग के दौरान पढ़े जाने वाले अशार। हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा ने भाई का इंतकाम लेने के जज्बे से बढ़कर हाथ मारा तो उसकी टांगें कट गई। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार ने उसका खात्मा कर दिया। मरहब के बाद उसका भाई यासिर निकला। मुकाबले पर हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अवाम आगे बढ़े, उनके हाथों उसका खात्मा हो गया। यह अहम तरीन किला 20 रोज़ के मुहासरे के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमान में फतह हुआ और इसलिए आन जनाब को फातह खैबर कहा जाता है। यहूद जब इस किले से भाग गए तो मशहूर दुश्मन इस्लाम हय बिन अख्तब की साहिबजादी जनाब सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माँ अपनी दो चचाजाद बहनों के असीर होकर आईं। एक मुआज़्ज़ज़ सरदार की बेटी थी, इसलिए सहाबा के मशोरे से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने हरम में लिया। फिर यहूदी किला अज़ुबैर में जा मुजतमा हुए। यहाँ सह रोज़ा मुहासरे के बाद वो बाहर निकलकर ज़ोर शोर से लड़े। 10 यहूदी मारे गए, चंद मुस्लिम सिपाही शहीद हुए और किले पर कब्ज़ा हो गया। अब तीन किले अलकतबिया, अलवतीह और अस्सलालिम बाकी थे। यहूद की तमाम जानी व माली क़ुव्वत अब उनके अंदर इकट्ठी हो गई थी। मुस्लिम फ़ौज ने 14 रोज़ मुहासरा जारी रखा। बिलाखिर मिंजनीक नस्ब करके संगबारी करने का फ़ैसला हुआ। महसूरीन को इत्तला हुई तो उन्होंने अपने आप को बेबस पाया। गुफ्तगू ये मसलहत के लिए आमादगी जाहिर की। गुफ्तगू के बाद उनके लिए फ़ैसला हुआ कि सिर्फ अपनी जानें लेकर चले जाएं। जाने से पहले उन्होंने दोबारा दरख्वास्त की कि उनको ज़मीन और बाग़ों का काश पर लगा लिया जाए और यहीं रहने दिया जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराख़दिली से ये दरख्वास्त कबूल की और निसफ पैदावार पर मामला हुआ। फिदक वालों ने इस सूरत मामले की खबर सुनी तो उन्होंने भी इसीलिए मंजूरी मांगी, उनको भी मंजूरी मिल गई। इस कार्रवाई के दौरान में दो यहूदी नौजवान हुवैसा और मुहैसा इस्लाम के दायरे में आ गए। इस मारिके के दौरान में जबकि किला नताह मुहासरे में था, अहले खैबर का एक हबशी चरवाहा अस्वद राई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मान ज़हनी इनकलाब से दोचार हुआ। उसने यहूद से दरियाफ्त किया कि किससे लड़ाई है। उन्होंने बताया कि उस शख्स से जो नबूवत का दावा करता है। इतनी बात सुनकर उसकी रूह में तहरीक पैदा हुई। उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर मालूम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत क्या है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का अकीदे तौहीद उस पर वाज़ेह किया। उसके दिलो दिमाग इस्लाम के सामने मफ्तूह हो गए। फिर उसने पूछा कि यहूद की बकरियाँ मेरे साथ हैं, उनका क्या करूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्वद राई को ऐसे मौके पर भी अमानतदारी का हक अदा करने की तलकीन की और उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद के मुताबिक उनको किले के करीब ले जाकर कनकरियों से आबादी की तरफ हांक दिया। फिर उसने वापस आकर दरियाफ्त किया कि मैं अगर लड़कर मारा जाऊं तो आखिरत में मेरा क्या बनेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का मुस्दा दिया। वो पैकर इखलास लड़ा और अपनी जान सच्चाई की चौकट पर कुर्बान कर दी। एक नौ मुस्लिम अरबी खैबर की मुहिम में शरीक होकर आए थे। उनके लिए जब माल गनीमत में हिस्सा लगाया गया तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरी रगे जान राह हक में कटे और जन्नत नसीब हो।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि तुम्हारी ये मुराद भी पूरी हो जाएगी। ये मुजस्समे ईमान भी रन में उतरा और शहादत की मुकद्दस मौत ने उसे सीने से लगा लिया। फतेह खैबर की मसरतें कई गुना बढ़ गईं जब एकाएक हज़रत जाफ़र इब्ने अबी तालिब बहुत से साथियों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने हम मसलक ईमानी बरादरी के साथ आ मिले। हज्जाज बिन अल्लात सलमी जवारिस बनी सुलेम के कानों के मालिक थे और इसी ज़माने में मुसलमान हुए थे। फतेह खैबर की तकमील से कब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर तेज़ी से मक्का पहुँचे ताकि अपनी बीवी और मालिक कसीर को बरवक्त निकाल लाएँ। दरपर्दा उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फतेह खैबर का मुज़दा सुनाया। खैबर का कज़िया तय पा चुका तो मुस्लिम फ़ौज ने वादिउल कुरा का रुख किया जहाँ यहूद के साथ कुछ अहले अरब भी मुकीम थे। यहाँ भी मुखालिफत का गढ़ था। फ़ौज के जाते ही सामने से पत्थर बरसाए गए और मदअम नामी ग़ुलाम घायल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बार बार इस्लाम की दावत दी जाती रही मगर उधर से एक एक आदमी मुकाबले पर निकलता गया और ख़त्म होता गया। मुतवातिर 11 आदमी इस तरह आते रहे। रात होने तक ये सिलसिला जारी रहा। अगले रोज़ सुबह के फौरी बाद फतह हो गई। साबिक नज़ाइर के मुताबिक वादिउल कुरा वालों को भी ज़मीनों और बागों की काश का काम दे दिया गया और उन पर अपना इंतज़ामी हाकिम मुकर्रर कर दिया। अहले तीमा के यहूद ने जब इस सूरत मामले की इतला पाई तो उन्होंने अज़ खुद मुसालहत की ख्वाहिश की और उनको भी अराजी पर बरकरार रहने दिया गया। इस फातिहाना कार्रवाई के नतीजे में जिन वसी ज़रख़ेज़ फ़ुक़ात यानी अराजी पर कब्ज़ा हुआ उनमें से फिदक और खैबर के रकबे सारी ज़मीन यानी स्टेट लैंड करार दिए गए और उनसे रियासत के सरबराहकार उनके लवाहिकीन और माशरे के गुरबा की किफ़ालत की जाने लगी। इन्हीं ख़ास क़ितआत के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद कुछ इख्तिलाफ़ हुआ मगर जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बसीरतमंद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको जूं का तू सरकारी मिल्कियत में रखा। बकिया अराजी मुसलमानों की मिल्कियत में दी गई और उनकी पैदावार उनमें तकसीम होने लगी। हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलाया गर्द दस्ता लेकर बनु हवाज़िन को इंतबाह देने गए। बनु हवाज़िन मुंतशिर हो गए। बशीर इब्न वारिम यहूदी के मुतालिक खबर आई कि बनु गतफान को जंग के लिए तैयार कर रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा एक दस्ता लेकर गए। किसी तरीके से उन्होंने बशीर को मदीना चलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगुशुनीद करने पर आमादा कर लिया। मुसलमान चूंकि 30 की तादाद में थे उसने भी एहतियातन 30 आदमी साथ लिए और हर ऊँट पर एक यहूदी और मुसलमान मुश्तरक होकर सवार हुए। बशीर या असीर ने रात की तारीकी में हज़रत अब्दुल्लाह की तलवार पर हाथ डाला। वो चौंक कर ऊँट से कूद गए और तलवार सौंत ली। दोनों सरदारों की हालत में देखकर दोनों के साथी भी लड़ पड़े। पूरे 31 यहूदी इस मामले में मारे गए। तो नाज़रीन गिरामी किस तरह से जो है माहदे के नाम पर भी धोखाधही करते हैं। धोखाधही यहूदियों की खमीर में शामिल है, फितरत में शामिल है। मैं कहूँ नाज़रीन गिरामी यहाँ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और हमारा ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।